वर्ल्ड कप विजेता का हुआ ऐलान। ऑस्ट्रेलिया 450, 65 पर ढेर हिंदुस्तान। भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेला जाना है। 12 साल बाद ये दूसरा मौका होगा जब भारत आईसीसी के सबसे बड़े इवेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ वनडे वर्ल्ड कप 2011 में भारत ने मेजबानी का जिम्मा संभाला था। उस दौरान टीम इंडिया ने इतिहास को दोहराते हुए 28 साल बाद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। इस वक्त जहां एक तरफ भारत में क्रिकेट का त्योहार आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड कप को लेकर बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर अजीबोगरीब भविष्यवाणी कर दी है, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में आ चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आईपीएल 2023 में हिस्सा ले रहे मिचेल मार्श ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा, इस वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम 450 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, जिसके जवाब में टीम इंडिया 65 रनों पर ऑल आउट हो जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये बड़ा स्कोर खड़ा करने में ऑस्ट्रेलिया के केवल 2 विकेट गिरेंगे। मिचेल मार्श के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मिचेल मार्श का ये बयान बचकाना लगता है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा संयोग बना है जब ऑस्ट्रेलिया और भारत का फाइनल में आमना सामना हुआ हो। साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने टीम इंडिया को 125 रनों से हराया था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारुओं ने निर्धारित 50 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 359 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम वीरेंद्र सहवाग के 82 और राहुल द्रविड़ के 47 रनों के बावजूद 29.2 ओवर में 234 रनों पर सिमट गई थी। इस मुकाबले में कंगारू टीम के कप्तान रिकी पोंटिंग ने 121 गेंदों पर 140 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी, लेकिन वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। अब भारतीय टीम की विश्व क्रिकेट में तूती बोलती है। क्या आप मिचेल मार्श की इस भविष्यवाणी से सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।